हेलो, आई एम हरिओम सर। वेलकम ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स। देखिए, कल संडे को हमने सीबीएसई स्पेशल सीबीएसई के लिए केमिस्ट्री का रिड्यूस सिलेबस बताया था कि क्या क्या टॉपिक हैं, चैप्टर में क्या ऐसे टॉपिक हैं जो जिनको आपको तैयार नहीं करना। एक चीज ध्यान रखिए, पढ़ना आपको सब है, लेकिन एग्जाम के टाइम पर आपको उन टॉपिक विशेष पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आज हम स्पेशल जो यूपी बोर्ड क्लास 12th में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चे, उन्हें अभी तक ये कन्फ्यूजन है, उनका जो उनकी स्थिति है वो एकदम क्लियर नहीं है कि हमें केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक को तैयार करना है और कौन से टॉपिक को तैयार नहीं करना है। तो आज हम अपने इस चैनल पर स्पेशल यूपी बोर्ड के लिए, हालांकि टॉपिक सेम है, टॉपिक वही सीबीएसई वही यूपी में, लेकिन फिर भी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हैं, इसलिए आज मैं स्टार्टिंग से पेज बाय पेज आपको बताता हूँ कौन से टॉपिक आपको तैयार नहीं करने छोड़ने। लेकिन ध्यान रखिए, यूपी बोर्ड वालों से भी मेरा विशेष कहना है कि आप टॉपिक तो तैयार कीजिए, पूरी केमिस्ट्री को पढ़िए, लेकिन एग्जाम की तैयारी के समय आप इन पर फोकस ना करें। देखिए, फर्स्ट आपका है, ध्यान रखिए, ये जो मैं पेज बाय पेज बता रहा हूं, ये एनसीईआरटी की जो बुक है वो एडिशन है 2018-19 वाले सेशन की बुक में, हो सकता है मैं पेज के आधार पर भी बताऊं तो पेज आपको सेम मिलेंगे। जिनके पास 12th क्लास की 2018-19 की बुक है उनके पेज भी जो मैं बोल रहा हूँ सेम मिलेंगे, क्योंकि मैं जो उस बुक में से आपको तैयार करा रहा हूँ तो आप बुक को खोल लें एनसीईआरटी को, लेकिन साथ में मैं टॉपिक भी बताऊंगा। तो पहला चैप्टर आपका ठोस अवस्था, ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट, इसमें से क्या चीज आपको तैयार नहीं करनी है तो ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी के पेज नंबर 26 पर आप जाएं, पेज नंबर 26 26 पेज पर, और विद्युतीय गुण और धातुओं में विद्युत चालन, विद्युतीय गुण और धातुओं में विद्युत चालन, धातुओं में विद्युत चालन, ये टॉपिक पेज नंबर 26 पर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, ये आपको तैयार नहीं करने हैं। अर्धचालकों में विद्युत चालन, इसके अलावा अर्धचालकों में विद्युत चालन, ये भी आपको टॉपिक तैयार नहीं करने हैं, ध्यान रखिए। यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है इसकी और मेटल्स में, वो आपको तैयार नहीं करनी है। कंडक्शन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, अर्धचालक सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फ्लो, वो आपको तैयार नहीं करना। यूपी बोर्ड वाले, ये जो मैं टॉपिक लिखवा रहा हूँ विद्युतीय गुण, क्योंकि आज की वीडियो यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल है, इसलिए आप देखिए, विद्युतीय गुण और धातुओं में विद्युत चालन और अर्धचालकों में विद्युत चालन, ये आपको पेज नंबर 26 पे टॉपिक मिल जाएंगे, ये आपको तैयार बोर्ड के लिए नहीं करने। ध्यान रखिए, पढ़ना सब है, लेकिन इन पॉइंटों को जब बोर्ड की तैयारी आप कर रहे होंगे उस समय इन पर फोकस नहीं करना। इसके अलावा पेज नंबर 27, 28, 29 एनसीईआरटी के ये जो पेज मैं लिख रहा हूं, ये कंप्लीटली आपको नहीं तैयार करने हैं, ध्यान रखिए, इन पेजों पर ध्यान नहीं देना है, ये आपके कोर्स से हटा दिए गए। इसके अलावा पेज नंबर 39 के अलावा पेज नंबर 30 पर आपको क्वेश्चन 1.23 and 1.24 ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये हटाए हुए कोर्स से संबंधित क्वेश्चन है, इसीलिए इन क्वेश्चनों को आपको तैयार नहीं करना है। क्वेश्चन 1.23
क्वेश्चन नंबर 1.23 एंड क्वेश्चन नंबर 1.24। देख लीजिए आप पेज नंबर 26 का ये टॉपिक आपको तैयार नहीं करने, पेज नंबर 27, 28, 29 ये बिल्कुल ही तैयार नहीं करने, पेज नंबर 30 में एक्सरसाइज पर ये क्वेश्चन आपको नहीं देखने हैं, ये हेड को समझता। अब आप अगला आ जाइए, अगला चैप्टर है आपका विलयन। देखिए अगला चैप्टर विलयन या सॉल्यूशन, ये विलयन चैप्टर आपका सेकंड नंबर का है, पेज नंबर 56 पर आपको असामान्य मोलर द्रव्यमान ये आपको तैयार नहीं करना है, ध्यान रखिए नहीं पढ़ना है आपको असामान्य मोलर द्रव्यमान, ये नहीं पढ़ना है आपको। इसके अलावा पेज नंबर 57 ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 58 पर केवल पेज नंबर 58 पर दो क्वेश्चन दे रखे होंगे वो आपको तैयार नहीं करने हैं पेज नंबर 58 पर। इसके अलावा पेज नंबर 59 को आपको तैयार नहीं करना है, और पेज नंबर आप आ जाइए 62 पर, एक्सरसाइज शुरू हो जाती है पेज नंबर 62 पर, ध्यान रखिए आपको 1.17 क्वेश्चन, 1.17, 1.18, 1.20 और इसके अलावा 1.22, 1.22, 1.26 ये क्वेश्चन है जो कि रिड्यूस सिलेबस से लिए गए, ये आपको तैयार नहीं करने, ये क्वेश्चन छोड़ देने हैं, इनकी एक्सरसाइज में से इनको सॉल्व नहीं करना है। और पेज नंबर 63 पर चले आप, पेज नंबर विलयन का पेज नंबर 63 पर देखें तो उस पर दो क्वेश्चन जो आए हैं वो तैयार नहीं करने, 2.40 एंड 2.41। इस तरह से ये जो मैं क्वेश्चन संख्या लिख रहा हूँ ये हटाए गए टॉपिकों के क्वेश्चन है, ये आपको तैयार नहीं करने। आगे देखिए आप, विलयन वाला कंप्लीट हो जाता है, विलयन के बाद अगला चैप्टर विद्युत रसायन है, अगला चैप्टर आपका विद्युत रसायन है, ध्यान रखिए कौन सा चैप्टर है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें पेज नंबर 89 पे आए तो बैटरियां हैं, ये आपको तैयार नहीं करनी है, ये तैयार नहीं करनी है। इसके अलावा पेज नंबर 90, 91, 92 ये कंप्लीटली आपको तैयार नहीं करने हैं। और फिर आगे आ जाइए, पेज नंबर 93 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में से आपको 3.13, 3.14, 3.15 ये आपको बिल्कुल तैयार, ये क्वेश्चन छोड़ देने हैं, ये हटाएंगे कोर्स में से, इसलिए तैयार नहीं करने हैं। और एक्सरसाइज में से ये नहीं करनी, सिर्फ एक्सरसाइज आपको करनी है। इसके अलावा विद्युत के जो नियम है वो आपको, विद्युत के नियम को थोड़ा फोकस करना, जो कि बोर्ड में थोड़ा स्पष्ट नहीं दे रखा है, मुझे लगता है क्वालिटेटिव जो गुण है शायद वो तैयार नहीं करने, फैराडे के नियम तैयार करने हैं, तो उनको थोड़ा सा ये इनको फोकस कर लेना, इनको नहीं छोड़ना इस तरह से, ठीक है। अगला रासायनिक बलगतिकी, अगला चैप्टर है आपका रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी में आपको क्या तैयार नहीं करना, देखिए पेज नंबर 115 पे आप देखेंगे, आपकी एनसीईआरटी में 115 पे टॉपिक दिया होगा अभिक्रिया की वेग पर ताप की व्याख्या, अभिक्रिया
वेग पर ताप की व्याख्या, ये आपको तैयार नहीं करना। इसके अलावा आरहेनियस समीकरण आपको तैयार नहीं करना। ये आरहेनियस समीकरण है, ये आपको तैयार नहीं करना है, ध्यान रखिए, ये समीकरण तैयार नहीं करना। इसके अलावा पेज नंबर 116 और 117, ये दोनों पेज आपको तैयार नहीं करने हैं। आगे आप देखें पेज नंबर 118, पेज नंबर 118 पर उत्प्रेरक का प्रभाव केवल आपको तैयार करना है। 118 पर उत्प्रेरक का प्रभाव, उसके अलावा जो भी टॉपिक 118 पे आ रहे हैं वो आपको तैयार नहीं करने हैं। इस पर रासायनिक अभिक्रिया का संगठन संघट सिद्धांत है वो आपको तैयार नहीं करना। रासायनिक अभिक्रिया का जो है संघट सिद्धांत, ये आपको तैयार नहीं करना। इसके अलावा पेज नंबर 119 पर, इसी में पेज नंबर 119 पर आपको ये तैयार नहीं करना है। पेज नंबर 119 और इसी में 4.9 क्वेश्चन है, वो भी आपको तैयार नहीं करना है। इसके अलावा भी आप पेज नंबर रासायनिक वल्गत्की में पेज नंबर जो 123, पेज नंबर 123 पर ध्यान दें। 123 पेज नंबर पर एक्सरसाइज है, ये आपको 4.22, 4.23, 4.24, 4.26, 4.27, 27, 28, 29, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, 2.30 एंड 4.30, ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार नहीं करने हैं, ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो ये रहा रासायनिक बलगतिकी वाला, रासायनिक बलगतिकी वाला ये चीज हमें दी हुई है। रासायनिक बलगतिकी में ये चीज आपको तैयार नहीं करनी है। अगला है पृष्ठ रसायन, अगला इसमें यूनिट है पृष्ठ रसायन, अगला यूनिट पृष्ठ रसायन, इसमें आपको क्या तैयार नहीं करना। देखिए पेज नंबर 130 पर उत्प्रेरण है, पेज नंबर 130 पर उत्प्रेरण, ये आपको तैयार नहीं करना है। इसके अलावा पेज नंबर 131 से 135 ये टोटली पेज आपको कैंसिल करने हैं, तैयार नहीं करने हैं। और 147 पर, पेज नंबर 147 पर पांच टॉपिक है यानी इमल्शन, ये आपको तैयार नहीं करना है। इसके अलावा इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन है जो आपको तैयार नहीं करने। 5.7, 5.1, 5.13 and 5.13, 16, 16.16, 5.17 or 5.19, 5.20, 21, 22, 5.21 and 5.22, ये क्वेश्चन आपको तैयार नहीं करने हैं। याद रखिए ये एक्सरसाइज प्रश्न रसायन की में से ये टॉपिक आपको तैयार नहीं करने हैं। इसके अलावा अगला जो चैप्टर है आपका, अगला यूनिट है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये पूरे चैप्टर को हटा दिया गया है, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। देख लीजिए इसको पूरे को हटा दिया गया है,